गरिमा साची वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी साइनोसाइटिस की बात करते हैं। साइनोसाइटिस, जिसका दूसरा नाम राइनोसाइनोसाइटिस भी कहलाता है। तो ये असल में होता क्या है? तो जो साइनस होता है उसकी इनर लेयर जो म्यूकस मेम्ब्रेन की है, उसमें सूजन आना, उसमें इन्फ्लामेशन होना साइनोसाइटिस कहलाता है। इस बीमारी से फीमेल्स ज्यादा सफर करती हैं बजाय मेल्स के, और साथ ही साथ 12% पॉपुलेशन इस बीमारी से सफर करते हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि साइनोसाइटिस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिर दर्द होता है या पूरे फेस पर पेन होना, लगातार दर्द भी हो सकता है या धीरे धीरे रुक रुक कर डल पेन भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें एग्रावेशन जो होता है झुकने पे या लेटने में होता है। इसका जो दर्द है वो आंखों के पास से शुरू होकर पूरा पीछे बैक तक भी ले जा सकता है, एक साइनस या बाकी सारे साइनस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और एक तरफ के चेहरे से बढ़कर फॉरवर्ड होकर दूसरे तरफ भी आ सकता है। इसमें आंखों में भी इन्फेक्शन फैल सकता है जिससे विजन का लॉस हो जाए, या फिर टूथेक भी हो सकता है, सिरदर्द भी हो सकता है। साथ ही साथ सिर को आगे झुकाने में ज्यादा पेन होता है, और जो नेजल डिस्चार्ज होंगे वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, पस या ब्लड लिए भी हो सकते हैं। इसमें जो चेहरे की बोन्स हैं या फोरहेड की बोन्स हैं उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस भी देखने मिल सकता है, और साथ ही साथ मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी फैला सकता है ये, जिससे कि काफी कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, कुछ वाइब्रेशन सा महसूस हो रहा है सिर के अंदर, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होने लगी है, हेलिटोसिस या फिर सांस में बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, और साथ ही साथ स्मेल का सेंसेशन भी लॉस हो सकता है, पुअर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो 4 हफ्ते से अंदर का साइनोसाइटिस एक्यूट वैरायटी होता है, और 4 हफ्ते से ऊपर का साइनोसाइटिस क्रॉनिक वैरायटी होता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स लोकेशन के आधार पर। तो मैक्सिलरी है पहला, जो कि चीक को इन्वॉल्व करता है, तो इस वजह से हेडेक भी हो सकता है, और ये जॉ में टूथ में पेन भी देखने मिलता है। नेक्स्ट वैरायटी है फ्रंटल साइनस, जो आंखों के ऊपर होता है तो फ्रंटल हेडेक कॉज करता है। नेक्स्ट वैरायटी है एथमोइडल साइनस, तो आंखों के पीछे साइनस का इन्वॉल्वमेंट होना, और ये जो है बैक ऑफ द हेड और साथ ही साथ रूट ऑफ द नोज, इस पे भी दर्द बनाता है। और लास्ट वैरायटी है स्फिनॉइडल साइनस, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाए आंखों के पीछे तो ये टॉप ऑफ द हेड मेस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर और बैक ऑफ द हेड में पेन कॉज करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो ऑस्टाइटिस हो सकता है, पेरिऑस्टाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, मीन्स बोन्स के अफेक्शन हो सकते हैं, ब्रेन में एब्सेस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और साथ ही साथ ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है हड्डी के थ्रू, बोन्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं। तो जो दांतों का दर्द है वो भी साइनस में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नोज से लेकर ट्रेकिया तक के इन्फेक्शंस, वो भी साइनोसाइटिस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एजिनोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन भी साइनोसाइटिस कॉज कर सकता है। ज्यादा सिगरेट पीने से रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, या एयर पोल्यूशन होने से, और साथ ही साथ नेजल पॉलिप्स होने की वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस लाइक एड्स, उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन सफिशियंट है, लेकिन उसके अलावा सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, नेजल साइनोस्कोपी,
काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। अब हम बात करें प्रिवेंशन की, तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हाथों को साफ रखना, स्मोकिंग अवॉइड करना, अपने आप को वेल इम्यूनाइज्ड रखना, तो ये सारे प्रिवेंशन काफी हद तक हेल्पफुल है साइनोसाइटिस से बचने के लिए। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स या फिर पेन किलर्स या फिर सर्जरी, एलोपैथिकली यही है। लेकिन अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जो कि साइनोसाइटिस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक कॉज की बात करते हैं, तो स्टिंक कन्फ्लिक्ट है, मीन्स मैं ये चीज स्मेल नहीं करना चाहता, बहुत स्टिंक कर रही है, बैड स्मेल आ रही है। ऐसा ही मेंटल लेवल पर थॉट प्रोसेस होता है किसी पर्सन के लिए कि ये पर्सन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो मुझे स्टिंक कर रहा है, तो ये इसका कॉज है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस की जो कि साइनोसाइटिस का है। एक पेशेंट जिनकी एज 42 इयर्स के लगभग थी, काफी ज्यादा थिक नेजल डिस्चार्ज था, साइनस की प्रॉब्लम थी, साइनस हमेशा फिल्ड रहते थे, बहुत ज्यादा पेनफुल थे और फोरहेड और बैक ऑफ हेड तक पेन रहता था, हॉकिंग ऑफ म्यूकस होता था पोस्टीरियर नेयर से। पेशेंट का जो नेचर था काफी क्वारलसम थे, उन्हें लगता था कि वो हमेशा भूखे ही रहेंगे, भूखे ही मरेंगे, डिसकंटेंटेड थे, किसी भी चीज से उन्हें संतोष नहीं मिलता था और खुद में ही एक निराशा थी, खुशियों से परेशानी थी, खुशियों से वो खुश नहीं होते थे, बहुत ज्यादा चौंकने की आदत थी और साथ ही साथ उन्हें लगता था कि वो स्टाफ करेंगे, वो ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि इसमें जहर मिला है। अकेले में बैठना, रोना, ब्रूट करना, उसी बारे में कंटिन्यूस सोचते रहना, भूत प्रेत का बहुत डर लगता था। रूब्रिक लिया गया इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड डिल्यूजन शी मस्ट नॉट ईट, तो इस हिसाब से कालीम्यू 200 दी गई, तो उनके जो नेजल कंजेशन थे वो सब रिलीज हुए, थिक डिस्चार्जेस लिक्विफाई होके डिस्चार्ज हो गए और ये साइनस की प्रॉब्लम उनकी लगभग 4 से 5 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इस साइनोसाइटिस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। तो पहली मेडिसिन है हिपरसल, इसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, साइनस उससे फिल होता है, नोज जो होती है उसमें अल्सरेशंस होते हैं और साथ ही साथ नोज में काफी पेन होगा, ठंडी हवा से दिक्कत होती है। अब मेंटल नेचर की बात करें तो पेशेंट डिससेटिस्फाइड रहता है किसी चीज में, उसे कंटेंटमेंट नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा डिस्पोज होता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, हर किसी की बात को काटना, और जब भी दर्द होगा तो बहुत वॉयलेंट हो जाता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो हिपरसल काफी अच्छी मेडिसिन हो सकती है साइनोसाइटिस को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है काली आयोज, तो इसमें लेंसिनेटिंग बोरिंग टाइप पेन होगा साइनस रीजन में, नोज में बहुत ड्राइनेस रहेगी, स्टफ्ड नोज रहेगी, जैसे कि सब कुछ ब्लॉक हो गया है, बर्निंग बहुत होगी साइनस रीजन में। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो बहुत जल्दी चौंकता है, किसी का भी टच बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मजाकिया होता है पर बहुत दुखी भी रहता है और अपनी तबीयत के लिए बहुत परेशान होता है, एंग्शियस रहेगा। तो ये सिम्टम्स यदि मैच करते हैं तो काली आयुज काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीशिया, तो इसमें मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस अफेक्टेड होते हैं, थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन होगा, साथ ही साथ स्मार्टिंग मीन्स जलन होगी उन साइनस के अंदर, बर्निंग बहुत होगी, स्टिंगिंग पेन होगा। और हम बात करें अब इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो पेशेंट बहुत रेस्टलेस होगा, पब्लिक में जाने में बहुत ज्यादा डरेगा, खुद की लाइफ के लिए उसे चिढ़ होगी, चाहेगा कि डूब के मर जाए, बेटर है जरा जरा सी बात में टेंशन लेना, कंसेंशियस अबाउट ट्रिफल्स। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो साइलीशिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है साइनोसाइटिस को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है स्ट्रिक्टा, तो इसमें जो पेशेंट के साइनस होंगे बहुत पेनफुल होंगे, बहुत ड्राइनेस होगी, इस वजह से इतनी ड्राइनेस होगी कि स्कैप का फॉर्मेशन होगा और जो ड्रूपिंग ऑफ म्यूकस होता है वो पोस्टीरियर नेयर्स के थ्रू होगा। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, आइडियाज के कंफ्यूजन बने रहेंगे, बोलने का बहुत ज्यादा डिजायर होगी, कुछ भी किसी भी मैटर पे बात करना, और रात के अंधेरे में उसे बहुत डर लगता है,
तो ये सिम्टम्स मैच करेंगे तो स्टिक्टा काफी अच्छी मेडिसिन है साइनोसाइटिस को क्योर करने के लिए। और लास्ट मेडिसिन है काली खाम, तो इसमें अल्सरेटेड नॉस्ट्रल्स होंगे, पूरे के पूरे छिल चुके होते हैं, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होगी और बहुत ज्यादा क्रस्ट का स्कैप का फॉर्मेशन होता है इंटरनली, इस वजह से बर्निंग भी बहुत है। बात करें हम इसके मेंटल सिम्टम्स की तो पेशेंट बहुत जॉगमेटिक होगा, सब चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा, बहुत कंजर्वेटिव होगा, पावर इन्फ्लुएंस्ड होगा कि मैं पावरफुल हूं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्टार्टलिंग टेंडेंसियों की जरा से में चौंक जाना, जरा सी आहट में चीख देना, बहुत ज्यादा हाई रिएक्शंस होंगे। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो काली कार्प काफी अच्छी मेडिसिन हो सकती है साइनोसाइटिस को क्योर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, और कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना मत लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।